हमारे लगभग 12-13 विधायक और मंत्री जीते हैं, जिसमें से दो मंत्री हैं, तीन मंत्री हैं, इमरान हुसैन, गोपाल राय जी और मनीष सिसोदिया जी, और बाकी विधायक हैं। अब ये विधायक और मंत्री अपने अपने जिलों में उनका एक स्वागत समारोह रखा जाएगा और वहां पर वो केजरीवाल के विकास मॉडल की चर्चा करेंगे, मीडिया के साथ भी और जनता के साथ भी। दूसरा, 23 फरवरी को लखनऊ के गांधी भवन में आम आदमी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। 23 फरवरी से 23 मार्च तक एक महीने पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। अब तक जो मिस्ड कॉल नंबर हमने जारी किया था राष्ट्र निर्माण के लिए जुड़िए, उसमें 1,60,000 लोगों ने मिस्ड कॉल देके अपनी सदस्यता ली है उत्तर प्रदेश से अकेले। कुल 13 लाख मिस्ड कॉल आई, जिसमें 1,60,000 लोग अकेले उत्तर प्रदेश से अब तक मेंबर बने हैं मिस्ड कॉल देके। सदस्यता अभियान भी पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके साथ साथ हर विधानसभा में 403 जो हमारी विधानसभाएं हैं उसमें हर जगह पूरे प्रदेश में पोस्टर 5,000 पोस्टर लगाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश को आज जो कानून व्यवस्था के मामले में मुसीबत झेलनी पड़ रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में छेड़ेगी, ये हम लोगों ने तय किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबो लॉब ये है कि आप लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं। अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तो सिर्फ संगठन को कैसे मजबूत करना है उसके बारे में। 2022 का चुनाव लड़ेगी पार्टी? अभी कोई जो भी इसके बारे में फैसला लिया जाएगा वो प्रदेश की जनता की भावनाओं को देखते हुए और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा।